वाकई रोमांचित करने वाला ये प्रदर्शन। ये देखिए, आपने देखा होगा कार्बन कैप्चर ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला हमारा कार्बन है। इसको वर्ल्ड के एलोन मस्क के सबसे अमीर व्यक्ति ने घोषणा कर रखी है कि $100 मिलियन देंगे इनाम में कि जो व्यक्ति कार्बन के ऊपर एक प्लांट जनरेट कर देगा। एलोन मस्क ने कहा है कि वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति कार्बन को कैप्चर करके दिखा देता है, वो एक प्लांट तैयार करके दिखा देता है, उसको $100 मिलियन वो देगा। यानी 700 करोड़ रुपये होते हैं जो जितनी रकम उसको इनाम में दी जाएगी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा मोमेंट है जो हम लोगों ने यहाँ लगाया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट, वर्ल्ड का थर्ड और एशिया का फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट है जो हमारे आरकडी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, जिसको पीके सेट्टी द्वारा अवलोकित किया गया है और यहाँ पर प्रेजेंटेशन में रखा है। और हमारा दिल्ली से MOU भी हो चुका है जिसके द्वारा यहाँ पर इसको सेटअप किया गया है और ये कार्बन प्लांट या कार्बन कैप्चर प्लांट चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का थर्ड और एशिया का फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट है। आर्कड यूनिवर्सिटी में श्री सेट्टी जी द्वारा इसको यह अवलोकन किया गया है और ये NIDC से MOU करके यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को सबसे प्रभावित करने वाला कार्बन है उसको ये कैप्चर करता है। इस प्लांट को यहाँ पर RKDF में इसको रखा है। हम बॉलर के माध्यम से इसमें ये कोयला है, कोयले को जलाते हैं या लकड़ी कोयले को जलाते हैं, हाई स्टीम जनरेट करते हैं, उसमें जो कार्बन निकलता है इसमें स्टीम जाती है। चिमली को रोक देते कार्बन को और कार्बन को रोक यहाँ से कार्बन को निकालते हैं। आइए, ये क्या है, क्या देखिए, ये स्टार्ट ऑफ कार्बन कैप्चर का एक स्टार्टर है जो पूरा ऑपरेट करने का, इसमें देख रहे हैं ना, ये रिएक्टर का है, ये पंप है, इसमें तीनों पंप हैं, इसमें केमिकल वाले भी हैं, हर सर एक, इसमें फ्लू गैस जनरेशन फॉर कार्बन कैप्चर प्लांट। ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये केमिकल के हैं, इसमें स्टीम को डालते हैं केमिकल के माध्यम से, उसमें कार्बन को कैप्चर करने के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। ये कार्बन कैप्चर प्लांट को, कार्बन को कैप्चर कितना हुआ है उसके लिए एक मशीन है जिससे हम कार्बन को पता कर लेते हैं कि कार्बन कितना इसमें कैप्चर हुआ है, कितना इसका कार्बन कैप्चर का 12 से 17 तक कार्बन कैप्चर प्लांट में इसमें कार्बन को कैप्चर किया जाता है। ये रिएक्टर है जो केमिकल को, गुथे हुए जमे हुए केमिकल को स्टीम के माध्यम से इसको वो कर देता है, कना उसको घोल देता है, जिससे उसमें जमी हुई कार्बन कैप्चर, वो जमी हुई कार्बन को बाहर उसको रिलीज कर देता है। हम मशीन के माध्यम से यहाँ से कार्बन को निकालते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग हो जाती है हमारे कार्बन कैप्चर प्लांट की। हम कार्बन को यहाँ से निकालते हैं और उस मशीन के माध्यम से हम यहाँ कार्बन कितना CO2 रिलीज हो रहा है, कितना CO2 इसमें हो रहा है, निकल रहा है, और कितना हम कैप्चर कर रहे हैं, इससे पूरा हमें पूरा पता चल जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं ना, ये पाइप आया है, ये पाइप आप देख रहे हैं ना ये थर्मल सोलर प्लांट है, हाई प्रेशर थर्मल सोलर प्लांट, वर्ल्ड का हाई प्रेशर, यानी जो 3 प्रकार के थर्मल सोलर प्लांट होते हैं, ये वर्ल्ड सबसे हाई प्रेशर थर्मल सोलर प्लांट है। स्टीम के माध्यम से हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर कोयला नहीं है तो हम थर्मल सोलर प्लांट के माध्यम से स्टीम भेज कर इसमें CO2 को रिलीज कर देते हैं। आइए, और
इसमें जो CO2 बनती है, जो CO2 रिलीज होती है वो एल्गी प्लांट यानी हमारे एल्गी टैंक में CO2 को रिलीज करते हैं, जिससे एल्गल बनती है। एल्गल से हम लोग बायोडीजल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सेटअप है पूरा एक RKDF यूनिवर्सिटी में, ये सेटअप पूरा प्रोजेक्ट का, जिसमें थर्मल सोलर प्लांट, कार्बन कैप्चर प्लांट, बुखारी और बायोडीजल प्लांट, ये एक्टिविटी सब हमारे सर द्वारा अवलोकित की गई है। हमारे चीफ सेफ्टी जी, VK सेफ्टी जी, जो जनरल DGR रहे हैं और आज हमारे यहाँ पर RKDF यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं। तो ये सब था प्रोसेस हमारे यहाँ का प्लांट का। और ये एल्गी का आप देख रहे हैं टैंक दिख रहा है, इसमें एल्गी जमाई जाती है और इसमें एक बायोडीजल बनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, नई सोच नया आविष्कार में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल गांधीनगर, जहाँ के BC श्री विजय अग्रवाल जी हैं और हमारे यहाँ के डायरेक्टर श्री TGR रिसर्च एवं डेवलपमेंट में हमारे VK सेट्टी जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बुखारी है, ये इंडियन आर्मी बुखारी है। इंडियन आर्मी जहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वहाँ वो आग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दुविधा होती है आर्मियों के लिए। हमारे जो जवान हैं देश के जवान जो सीमा पर डटे हैं बर्फीले इलाकों में, वहाँ के लिए हमने ये यहाँ पर ये RKDF में श्री सेट्टी जी द्वारा यहाँ पर बुखारी का ये अवलोकन किया गया है। आप देख रहे हैं ये बुखारी, ये इसको लकड़ी से जलाकर इससे स्टीम व बिजली बनाई जाती है। आप देख रहे हैं ये लाइट देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइट इससे स्टीम बनती है, ये बुखारी से स्टीम बनती है। इसमें कोयले को या लकड़ी को जलाया जाता है, स्टीम बनाई जाती है, इसको पाइपों के माध्यम से इसमें स्टीम जाती है। आप देख रहे हैं ये आप पूरा सिस्टम देख रहे हैं, इसमें स्टीम जाती है, स्टीम जनरेट होकर पीछे जो उसका टरबाइन का जो मॉडल लगा हुआ है ये उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है। ये आप देख रहे हैं ना, ये केरोसिन बुखारी यानी केरोसिन से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसमें ये केरोसिन बुखारी है, इसमें केरोसिन को डाला जाता है, केरोसिन के द्वारा इसमें आग जलाई जाती है। देख रहे हैं आप, इसमें हाई वोल्टेज यानी हाई प्रेशर, हाई स्टीम, हाई लाइट को जलाया जाता है इसमें केरोसिन को, जिससे इसमें स्टीम बनती है। स्टीम इसके पाइपों के माध्यम से यहाँ से स्टीम बनकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे जो फोकस है ना, ये सब इंडियन आर्मी के लिए बनाए गए हैं। हमारी इंडियन आर्मी देश के लिए लगी हुई है, तो हमने कोशिश की हमारे सर ने कि इनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। और ये प्रोजेक्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश का केंद्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक सूर्य के सोर्स को यहाँ से टच करके इसमें केंद्र किया जाता है, जहाँ पर यानी 1400 डिग्री सेल्सियस, देखिए आप 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको टेम्परेट किया जाता है और इसको ऑपरेट करने के लिए सूर्य के उससे स्टार्ट से कन्वर्ट करके इसमें एक ऐसा डेवलप किया है जो 24 यानी 12 घंटे यानी जो दिन के 12 घंटे होते हैं उसको कन्वर्ट करता है और इसको रोटेट करता रहता है, जिससे सूर्य का प्रकाश केंद्र बिंदु पर पड़ता रहे, जिससे उसमें स्टीम बनती रहती है। इसमें काफ़ी स्टीम बनती है, जिससे मतलब बिजली बनती है। ये भी एक स्टीम का जनरेट करने का एक प्लांट है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। सफिशियंसी टेम्परेचर एट द कोर 310 डिग्री सेल्सियस सफिशियंसी टू जनरेट स्टीम, इसमें इतने स्टीम जनरेट होती है।